अब इधर कबड्डी है सचिन हरियाल के साथ जो जी सामने देखो जी। अमेजर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा के सभी पदाधिकारियों से अनुरोध कि ग्राउंड नंबर 1 पर आए आप भी और इन बच्चियों को आशीर्वाद दें। ग्राउंड नंबर 3 पर मैच स्टार्ट करवा रहे सर आप। यमुनानगर और पंचकुला की टीम से परिचय अतिथियों ने अभी किया है और अब यमुनानगर और पंचकुला की टीम का मैच होगा लड़कियों का। आप देख रहे हैं एसोसिएशन के पदाधिकारी परिचय करते हुए एक ग्रुप फोटो हमें परमिशन मिल चुकी है। अगर टीमें हो जाती तो दोनों टीमों को सिलेक्ट कर दे पंचकुला वर्सेस हिसार। आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। ग्राउंड नंबर 3 पर अगली टीमें जींद वर्सेस सिरसा, ये दोनों टीमें अपने आप को तैयार रखें। मैच खत्म होने के तुरंत बाद ग्राउंड नंबर 3 पर रिपोर्ट करें। ग्राउंड नंबर 1 पर लड़कियों के वर्ग में जो मैच होगा इससे अगला मैच रेवाड़ी वर्सेस सोनीपत, ये दोनों टीमें भी अपने आप को तैयार रखें। इस मैच के तुरंत बाद आपका मैच होगा। सभी जिलों के टीम कोच मैनेजर महासचिव बेकरदार से अनुरोध हम हौसला बढ़ाने के लिए 51,000 रुपए दिए हैं इस कमेटी को, हम इनका बार बार धन्यवाद करते हैं और सभी से कहते हैं कि इनके नाम की एक बार तालियां बजाई जाए। 51,000 रुपए दिए हैं जी ने, बार बार धन्यवाद करते हैं इनका। लड़कियों का मैच समाप्त। पंचकुला और यमुनानगर के बीच जो मैच हुआ उसका स्कोर 36-17 का स्कोर पंचकुला के पक्ष में। इस मैच में पंचकुला की टीम ने यमुनानगर को हराया है और अगले राउंड में प्रवेश किया। रेवाड़ी वर्सेस सोनीपत, दोनों टीमें ग्राउंड पर रिपोर्ट करें। लड़कियों के ओरंग में मैच होना है रेवाड़ी वर्सेस सोनीपत। काफी समय पहले ही आपका मैच अनाउंस कर चुका हो चुका गुड़गांव, ये चारों टीमें भी अपने आप को तैयार करके ग्राउंड पर लेकर आए। Thank you.
अब मैं निवेदन करूंगा मास्टर सतबीर सिंह जी, वो उनका सम्मान किया जाएगा। और सम्मान के लिए हमारे सरपंच रामभूल सवाईपाना धर्मपाल जी और श्री रतन सिंह जी, वो तीनों इनका सम्मान करेंगे। रामभूल सरपंच जी, धर्मपाल जी और रतन सिंह, मास्टर सतबीर सिंह जी का